गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। यहाँ से ये लेंगे, इसमें मस्का, इतना मस्का किस लिए? ये बताओ मेरा हेयर स्टाइल कैसा है? होता है आदमी सही, ये बना दो वो बना दो, चाय कसम से पक गया, पक वो जब बासा खाने का पड़ेगा स्टोरेज। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इस टाइम आज संडे है और हो रहे हैं 6:30 हो रहे हैं। तो मेरा बेटा लाइट जला के चला गया था, वो छत पे जाता है सुबह सुबह में, तो वो लाइट जला के चला गया था। तो ये देखिए, अब हमारे चलिए मॉर्निंग का, आज मॉर्निंग से रूटीन स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं उठ गई हूँ, उसके बाद सुबह सुबह गर्म पानी पीते हैं। तो चलिए, गर्म पानी सबके हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट करता है और सबको पीना भी चाहिए सुबह सुबह में सबको गर्म पानी। तो चलिए बाहर, क्योंकि ये सब तो सो रहे हैं, सिर्फ मैं और मेरा बेटा ही जगे हुए हैं। तो चलिए बाहर चल के पीते हैं ड्राइंग रूम में। और ये मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन मैंने किचन की देखे विंडो ओपन, कितनी तेज़ धूप है इस टाइम, 6:30 हो रहे हैं, बहुत तेज़ धूप है। और ये मैं पी रही हूँ जीरा वाटर। तो यही है बस मॉर्निंग में, आप मैं नहा वाली हूँ। तो नहाने के बाद ये था सुबह, बच्चों के लिए बनाना शेक बना दिया है और हम लोग अपने लिए बना लेंगे बनाना स्मूदी। तो बनाना स्मूदी के लिए जो हमें बनाना स्मूदी जो होती है बहुत हेल्दी होती है वेट लॉस वगैरह के लिए। और ये आप और सुबह नाश्ते में पियेंगे तो बहुत हेल्थ, आपको हेल्थ बेनिफिट्स रहेंगे। तो ये देखिए, मैंने बनाना काट लिया है और 1 कप मैंने ओट्स ले लिए हैं। ये देखिए, ओट्स के साथ साथ हम इसमें थोड़ा सा, ये देखिए मैंने चिया सीड्स ऐड कर दिए, चिया सीड मैंने 1 से 1.5 चम्मच चिया सीड ऐड किए हैं। और ये हैं फ्लैक्स सीड्स इन, और इसके साथ साथ ये देखिए दूध ऐड कर दिया है 1 कप। 1 कप दूध के साथ साथ मैं इसमें 1.5 कप पानी भी ऐड कर दूंगी। और ये दही, ये देखिए दही भी एक मैंने 1.5 चम्मच ही लिया, क्योंकि दही ज़्यादा था नहीं तो इसके लिए। तो वरना और ये ले लिए मैंने चीनी की जगह, मैंने डेट्स यूज़ किए हैं, खजूर, आप चाहें तो इसकी जगह शहद भी यूज़ कर सकते हैं, पीनट बटर यूज़ कर सकते हैं, जो चाहें आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बहुत हेल्दी रहता है, अगर आप इसको मॉर्निंग में लेते हैं आपके वेट लॉस में बहुत हेल्थ करेगा, बेनिफिट करेगा। और कई चीज़ों में इसके, और चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स के तो जो आप फ़ायदे हैं आप गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हैं, इसके इतने हेल्थ बेनिफिट्स हैं। क्योंकि जो लोग नॉनवेज नहीं खाते उन लोग को ज़रूर ये खाना चाहिए। और ये देखिए, हो गई हमारी स्मूदी तैयार, क्योंकि बच्चों को बनाना शेक के अंदर ही दे के आ गई थी और ये स्मूदी तैयार हो गई है। तो आइए पीते हैं ठंडी स्मूदी। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी वाला संडे आप सभी को। मेरे पास काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही है कि दीदी आप प्लीज़ हेयर स्टाइल की कोई वीडियो बनाएं। तो देखिए नेहा, उनका नाम नेहा है, तो नेहा क्या है, देखिए मुझे हेयर स्टाइल बनाने बहुत अच्छे आते नहीं, हाँ बस ये अपना काम चला लेती हूँ कि बस कोई, आजकल क्या होता है पफ बना लिया सिंपल सा बाद में, या फिर पोनीटेल कर ली कुछ कर ली। तो मैं कोशिश यही करूँगी आपको, आई होप मेरा हेयर स्टाइल पसंद आए। तो प्लीज़, क्योंकि मैं देखो ये प्रोफेशनल तो हूँ नहीं मैं, कि आजकल की लड़कियाँ होती हैं बहुत अच्छी अच्छी हेयर स्टाइल कर लेती हैं, तो मैं कोशिश कर सकती हूँ सिर्फ, पक्का नहीं कह सकती हाँ आपको पसंद आएगा या नहीं आएगा। मैंने एक वीडियो में पहले भी अपना, शायद नवरात्रे की मेरी फर्स्ट वीडियो थी, फर्स्ट नौरते की, तो मैंने उसमें हेयर स्टाइल बना के दिखाया था, शायद आपने देखी नहीं। तो क्या कहते हैं, तो मैं भी कोशिश करती हूँ, बन गया तो सही है, तो वरना फिर नेक्स्ट ब्लॉग में फिर ट्राई कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से हेयर स्टाइल बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देख, मैंने साइड का पार्टीशन निकाल लिया है, अब यहाँ से फ्रंट से हल्के से बाल लेके इस टाइप से, ये देखिए इसको 2 बार फोल्ड कर लेंगे, और बहुत टाइट नहीं, हल्का सा ही,
फिर यहाँ से ये लेंगे, इसमें इसको मिला देंगे और फिर इसको दो बार फोल्ड कर लेंगे, फिर इसको लेंगे और फिर इसको इसमें मिला देंगे और फिर इसको हल्के से दो बार फोल्ड कर लेंगे, 1 2, अब फिर इसको लेंगे यहाँ से, और बाल बहुत ज्यादा नहीं लेने, हल्के हल्के बाल लेने, ये इसमें इसको ले लेंगे फिर, अब फिर इसको मिला देंगे, 1 2, अब फिर यहाँ से ले लेंगे, इसको ले लेंगे, सेम कर लेंगे, 1 2, अब हल्का से इसको आगे पुश कर देंगे और ये देखिए इस टाइप से इसको लगा देंगे। अब यहाँ पे टिक टैक वाली पिन आप लगा देंगे बालों में, तो सेम प्रोसीजर अपने लेफ्ट हैंड साइड कर लो, निकाल के मार इस टाइप से, 1 2, फिर निकाल इसको लेंगे और फिर 1 2, ये देखिए। तो आज फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया है नेहा, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, इसके लिए थैंक यू सो मच। और ये लगा लिया है, अब ज्यादा अच्छा लग रहा है हेयर स्टाइल, नहीं औरतों का सिंदूर के बिना, कहते हैं ना श्रृंगार पूरा ही नहीं होता, सिंदूर ही हमारी वो रहते, तो सिंदूर लगा के तो एक अलग ही लुक लग बन जाता है। आप चाहे इसको खुले बाल कर लीजिए या फिर आप अपने बाल ऐसे भी कर सकते हैं, सिंगल ऐसे सिंगल साइड से आगे और एक साइड से पीछे, देखिए कितना अच्छा हेयर स्टाइल लग रहा है मेरा, अच्छा लग रहा है चलो मुझे सच में। थैंक यू सो मच नेहा, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपकी वजह से कह लिया है, वरना मैं जुड़ा बांधती और अपना काम करना स्टार्ट कर देती, क्योंकि आपने मुझे कल मैसेज किया दी आप हर बार ओके लिख देते हो बट पूरा कभी नहीं करते हो, तो इसीलिए हाँ, लेकिन आगे आगे मैं कोशिश करूंगी हर ब्लॉग में एक नया हेयर स्टाइल करूँ ताकि आपको भी हेल्प मिले, ठीक है। तो बताएगा जरूर आपको हेयर स्टाइल कैसे लगा, मुझे वेट रहेगा, और नीलम भाभी आप भी बताना। तो फिलहाल तो मैं खैर बाल खुले करूंगी नहीं, मैं बांधूंगी जूड़ा, सॉरी चोटी बांधूंगी, खुली कर लूंगी, हेयर स्टाइल भी खराब नहीं करूंगी, बाद में करूंगी। और देखिए मुझसे एक रिक्वेस्ट आई थी कि मैम आप प्लीज ब्लैक और पिंक कॉम्बिनेशन साड़ी में कोई ब्लॉग बनाए, तो आई एम सो सॉरी मेरे पास ब्लैक और पिंक कॉम्बिनेशन में साड़ी नहीं है, मैंने ब्लैक और ऑरेंज पहनी है, हाँ मेरे पे पिंक और पिंक कलर की साड़ी है बट उसमें ब्लैक कलर नहीं है, तो मैं सोचू कॉम्बिनेशन करके कुछ पहन पुन के बनाऊंगी ब्लॉग, तो ये देखिए, तो मैंने पिंक और ब्लैक साड़ी तो है नहीं मेरे पास, तो आई एम सो सॉरी, मैं परचेज करूंगी तो फिर मैं जरूर पिंक और ब्लैक साड़ी में ब्लॉग बनाऊंगी। तो आई होप आप भी इस साड़ी को आप पिंक, इस ऑरेंज को आप पिंक कलर सोच लीजिए, तो प्लीज, तो इतना क्योंकि इस टाइम लॉकडाउन है कुछ भी नहीं खुल रहा, और आई होप आप परचेज करेंगे क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छे अच्छे मैसेज करते हैं, मुझे आपके मैसेज बहुत अच्छे लगते हैं सच में, क्योंकि आप जब भी कोई मैसेज करते हैं सच में बहुत अच्छा मैसेज करते हैं, सबसे पहले मैसेज आपके आते हैं और आप मैसेज सच में बहुत अच्छे करते हैं, कि मुझे आपका मैसेज पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। अच्छा अब ये बताओ मेरा हेयर स्टाइल कैसा है? वाव, सही बताओ नशा कैसा लग रहा है, नीचे बैठ के बताइए। एक पूछ इधर कर लो, एक पूछ इधर, ये नहीं करना क्या होता है लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है सच में। पूछ कहाँ से लग रही है बताना जरा। अरे मतलब ऐसे 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 करके यूं कर दो पिन, तो बना देना कल हेयर स्टाइल, यूं कर दो पिन, तुम बना दोगे? नहीं बना दो फिर बहुत बताओ। अच्छा बहुत है? अच्छा पक्का हाँ, उसे तो, कहते हेयर स्टाइल। तो चलिए फ्रेंड्स मैं खाना खा लेते हैं हम लोग, उसके बाद मैं इनसे हेयर स्टाइल बनवाऊंगी अपना। आज और नहीं, आज क्यों? नहीं आज मेरा मन नहीं है, जिस दिन मेरा मूड होगा उस दिन इनका मूड कभी होगा ही नहीं। होगा मेरा मूड होगा और सुपर। अगर हेयर स्टाइल अच्छा बना तो फिर मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगी, किसी को हेयर स्टाइलिस्ट चाहिए तो इनसे कॉन्टेक्ट कर लेना। बनाऊंगा प्लीज, ठीक है? प्लीज, तो मैं डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर डाल दूंगी, ठीक है? इतना अच्छा बना दूंगा ना कि नंबर लग जाएगा लाइन,
ये मूछे रख ले सोचते बहुत मिलिट्री मैन होगा। मैंने मजाक में क्या मिलिट्री मैन बोल दिया इनको, तो मिलिट्री मैन सोचने लगे अपने आप को। मैं नहीं सोचता, लोग चिढ़ रहे हैं, मैं स्मार्ट होता जा रहा हूँ। ओ माय गॉड, गे और स्मार्ट, ओ माय गॉड, सच है। उनसे पूछे कदर मेरी जिनको मैं मिला नहीं। चलो कदर तुम्हारी का, चलो चोखा बनाओ। ए आज मैं इनसे बनवाऊंगी आलू का चोखा, क्योंकि हमने सब्जी बन गई है, दाल बन गई है, नहीं बैंगन निकाल लो, टमाटर और टमाटर डाल देना ना प्लीज। और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा चोखा बनाते हैं, तो हम एक दिन में लिट्टी चोखा का प्रोग्राम भी करेंगे, लिट्टी चोखा बनाएंगे, काफी टाइम हो गया खाए हुए भी, तो लिट्टी चोखा बनाएंगे। लेकिन लिट्टी बनाऊंगी जो अप्पे मेकर होता है उसमें बहुत अच्छी लगती है, थोड़ी सी कढ़ौआ बना लेंगे और थोड़ी सी वैसे बना लेंगे। तो चलिए इनको किचन में लेके चलते हैं, जो हम औरतें कितना संघर्ष करती हैं गर्मी में खड़े होकर सबको खाना खिलाना, आज इनको भी चलेगा पता नहीं पता लगता। हाँ ठीक है, जिसका जो काम है उसे अच्छा लगता है, चाहे 2 घंटा लगे चाहे 4 घंटा लगे, वैसे क्या दिक्कत है। आजकल ऑफिस नहीं है, नहीं तो हम भी जाते हैं, तो हम नहीं सोचते। वैसे आदमियों का सही है, लॉकडाउन होता है आदमी सही आके ये बना दो वो बना दो चाय बना दो ये कर दो। अरे भैया तो क्या करे, तो बता दो, नहीं बनवा सकते कहाँ जाए। रसोई में चलो, गर्मी लग रही, बालों बहुत तेज। वाह जहाँ मैं जाती हूँ वही चले आते हैं, मेरे पल्लू में क्यों छुप जाते हैं। पति हूँ तुम्हारा। अच्छा सही में पति हो गए मेरे, मैं तो गलत हुआ। बैंगन यही मिला है, खाई नहीं कोई। ये लो चाय के दार चोखा तैयार, खा के बताना, खा के भाई। ये कुछ बनाती है तो मैं टेस्ट करके बताता हूँ ना, तो इनको भी टेस्ट करके बताना चाहिए ना। ये देखिए ये बन गया है चोखा, आप भी खाइए, बताइए मेरे स्वामी के हाथ का चोखा कैसा बना है। तो नमक ज्यादा है नहीं। इतना अच्छा बना है। अरे मेरे को क्यों दिखा, टाइम हो तो बात करें। आप सब स्वस्थ रहें, अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बस मेरी यही कामना है आप सभी के लिए भगवान जी से। और ये जो दौर चल रहा है जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, हम अपनी सब हम लोग सभी अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट जाएं। बस बोलो मम्मी। हाँ इधर इधर आओ ना। चलिए हमारी बेटी बुला रही है, बात सुन के आते हैं। का कह रही है, का पहले ये इधर रखो। प्यारी मम्मी मेरे बर्थडे पे आप क्या बनाओगे? क्या बनाएंगे, लॉकडाउन है कुछ नहीं बनाएंगे, दाल रोटी नहीं, बनाएंगे नहीं, चुप्पी नहीं, नहीं। हाँ मेरा बर्थडे मेरी पसंद की होनी चाहिए ना। तो ये तो चौमिन और मैगी खाती है, तो सुबह बना दूंगी नाश्ते में मैगी और शाम को चौमिन। ठीक है सुबह तो मैगी सही है, और जो रात को फिर हम सेलिब्रेट करेंगे। सेलिब्रेट कौन आएगा लॉकडाउन में, हम चारों ही बहुत है। नहीं तो इतना जरूरी नहीं है, तो हम चारों बहुत है। और मैं ये बोल रही हूँ प्लीज हम बोल
इतना मस्का, इतना मस्का किस लिए? एक तो पिज्जा और चाउमीन बनाओगे? हाँ, पिज्जा पिज्जा देखूंगी, दोनों पिज्जा देखूंगी। चल पिज्जा बना दूं, केक नहीं बनाऊंगी। लेकिन नहीं मम्मी, ये केक मुझसे केक पता बिल्कुल नहीं बनता, मेरा केक हमेशा खराब हो जाता है। चाहे कैसा भी बने मैं केक बनवाऊंगी, मेरा केक हमेशा खराब हो जाता है, लेकिन ये मानती कभी नहीं है। और लास्ट टाइम मैंने बनाया था, मेरा केक आधा पता उसमें चिपक गया था। तो केक का तो मैं पक्का नहीं कह रही, केक तो मैं देखूंगी बनाऊं कि ना बनाऊं। मैं केक खाऊंगी चाहे आपकी मर्जी हो। तो फिर मैगी, बर्थडे मेरा, केक मेरा। तो ऐसा कर, फिर मैगी चाउमिन और मैगी कैंसिल कर दे और मैं केक ही बनवा ले। नहीं 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 नहीं, तो चाउमिन और पिज्जा और केक। हां मम्मी दिन भर किचन में, अरे मैं दिन भर किचन में, पापा भी हैं, भैया भी हैं। लेकिन अगर ड्रेस भी हो जाती तो ज्यादा सही रहता। ड्रेस तो देखिए, ड्रेस लॉकडाउन है, ड्रेस तो कहीं मिलनी मुश्किल क्या, नामुमकिन ही है, सब कुछ बंद है। दो साल से इसका बर्थडे लॉकडाउन में ही बनता है। लेकिन लास्ट ये था, मेरी मम्मी ने इसके लिए ड्रेस बना दी थी, फ्रॉक बनाई थी और एक सूट बनाया था, तो उससे नया हो गया था, काम चल गया था। हाँ तो कोई नहीं, साल तो पुराना पहने की, लास्ट पिछले साल तो नया ही पहना था, नानी ने बना के भेजा था। तो हर साल नया, तो ये साल क्यों पीछे रहे? हाँ तो पिछले साल बाहर के कपड़े नए वो पहन लिए, वो नए तो ही है, देखा पहननी भरसी है, लेकिन फरमाइशें इतनी है। तो और आजकल के बच्चों को देखिए, पिज्जा चाउमीन सुबह मैगी, मतलब दिन भर उस दिन मैदा में ही रहना है, दिन भर मैदा। लेकिन इस टाइम में सब कॉमन है, पहले की बात अलग, अब की बात अलग। सुन लो इसकी फरमाइश है, सुन लो। नहीं मुझे यही चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसके बर्थडे पे हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं, आपके साथ शेयर जरूर और करेंगे। इतनी कम चीजें ही तो है, वरना मैं तो और बोल देती सुबह। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, स्टे होम स्टे सेफ। अगर किसी भी रीजन पे वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और टिंग टिंग वाली बेल बजाना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।